नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूँ कविता। मेरे कुकिंग चैनल कविता की रसोई में आप सबका फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं साउथ की फेमस डिश बनाने वाली हूँ, डोसा। पर इस डोसे को मैंने एक अलग ही ट्विस्ट के साथ बनाया हुआ है। इस डोसे का नाम है फोरन डोसा, आप इसे तड़का डोसा भी कह सकते हैं। इस पे जो मैंने तड़के तैयार किए हुए उससे इस डोसे का टेस्ट बहुत ही अलग आया हुआ है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। और इस वीडियो को आप पूरे एंड तक देखिए। अगर आपको इस फोरन डोसा की रेसिपी पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब के साथ ही साथ बेल आइकन को भी आप जरूर प्रेस कीजिए कि जिससे मेरे न्यू रेसिपी के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगे। अब झटपट से हम चलेंगे फोरन डोसा बनाने के लिए किचन की ओर। फोरन या तड़का डोसा बनाने के हमने बैटर पहले से रेडी करके लिया हुआ है। बैटर बनाने के लिए हमने 3 कटोरी चावल लिए हुए हैं और 1 कटोरी बिना छिलके वाली उड़द की दाल और 1 चम्मच मेथी का दाना हमने 1 से 1.5 घंटे भिगो के रखा हुआ था। 1.5 घंटे के बाद हमने पानी में से चावल उड़द की दाल निकाल के हमने ये बैटर तैयार किया हुआ, और बैटर को हमने 6 से 7 घंटे ओवरनाइट इस तरह से सेट होने के लिए रख दिया हुआ था। और हमारा बैटर जो है वो सेट होकर रेडी हो चुका हुआ है। और बैटर हमारा ऐसा होना चाहिए जो डोसा बनाने के लिए हमने बैटर तैयार करते हैं उससे थोड़ा सा मोटा बैटर होना चाहिए हमारा। और बाकी सामग्रियों के डिटेल और क्वांटिटी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। गैस पे हमने तवा पहले से गर्म होने के लिए रख दिया हुआ है। तवा हमारा गर्म हो चुका है। गैस का फ्लेम अब हम स्लो कर देंगे और इसमें हम 2 टेबल स्पून के करीब ऑयल डालेंगे और ऑयल को हम तवे में पूरी अच्छी तरह से स्प्रेड कर लेंगे। और अब गैस का फ्लेम हम मीडियम कर देंगे। तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब इसमें हम 1 टेबल स्पून के करीब जीरा ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून के करीब अब हम मस्टर्ड सीड ऐड करेंगे। अब इन दोनों को हम तेल में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद इसे हमें बस थोड़ा सा पकाना है कि ये थोड़ा सा बस ब्राउन हो जाए। जीरा और राई हो चुका है। अब इसमें हम कटे हुए वेजिटेबल ऐड करेंगे। उसमें मैंने 6 से 7 करी पत्ते लिए हुए, इसे मैंने इस तरह से बारीक चॉप कर लिया। 1 ग्रीन चिली ली हुई, उसको भी मैंने चॉप कर लिया। 1 मीडियम साइज का ऑनियन लिया, उसे इस तरह से मैंने बारीक चॉप किया हुआ है। सबसे पहले हम हरी मिर्च और ये कड़ी पत्ता डालेंगे कटा हुआ। ये डालने पर थोड़ा सा तेल चटकेगा। अब हम कटे हुए ऑनियन डालेंगे और ये बारीक कटा हुआ हरा धनिया, और थोड़ा सा मैंने कोकोनट लिया था उसे मैंने इस तरह से ग्रेट कर लिया हुआ है। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। अब इन सबको हम अच्छे से तेल में मिक्स करेंगे, और मिक्स करने पे इसे हमें थोड़ा सा पकाना है। ऑनियन हमारा ज़्यादा ब्राउन नहीं होना चाहिए, बस थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट हो जाए। अब हमारा जो तड़का है वो रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं कि ऑनियन और सारी सामग्री अच्छे से हो चुकी हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे स्वाद के अनुसार। हमने बैटर में भी नमक डाला हुआ है, इसलिए हम नमक थोड़ा सा सोच समझ के ही डालेंगे। और नमक को भी हम अच्छे से सारे तड़के में मिक्स कर लेंगे। नमक अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब सारे तड़कों को हमें सेंटर में लाना है। साइड के भी जो तड़के हैं उसको सेंटर में ला के हम अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। इस तरीके से हमें सारे तड़के को सेंटर में लाना है। सारे तड़कों को हमने सेंटर में ला दिया है। अब इसे हम थोड़ा सा ऐसे स्प्रेड करेंगे, और स्प्रेड हो चुका है। अब इस पर हम बैटर डालेंगे। गैस का फ्लेम अब हम स्लो कर देंगे। बैटर को हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बैटर को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया हुआ है। अब बैटर को हम तड़के के ऊपर डालेंगे। बैटर को हमें इस तरह से तड़के के ऊपर डालना है कि जो जितना भी हमारा तड़का है वो अच्छे से कवर हो जाए। हमने बैटर को अच्छे से तड़के के ऊपर डाल लिया हुआ है। अब हम इसे थोड़ा सा कलछल से इस तरह से स्प्रेड कर देंगे। मैंने जितना बैटर लिया हुआ है उस बैटर से हमारे 3 फोरन या तड़का डोसा बनेंगे। अब बैटर अच्छे से स्प्रेड हो चुका है। अब इस पे हम ग्रेट किया हुआ कैरेट डालेंगे।
मैंने 1 मीडियम साइज का कैरेट लिया हुआ है, उसे मैंने इस तरह से ग्रेट कर लिया हुआ है। अब इसमें हम बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे। धनिया हमने डाल लिया हुआ है। अब इसे कवर करके हम मीडियम फ्लेम पे 2 मिनट के लिए पकने के लिए रख देंगे कि ये अच्छे से नीचे से सिक जाए। 2 मिनट तक हमें रखना है, गैस का फ्लेम मीडियम रखें, याद रखें। 2 मिनट हो चुका है, ढक्कन को हम हटा लेंगे और आप देख सकते हैं कि जो बैटर है वो अच्छे से एकदम ड्राई हो चुका है। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा ऑयल स्प्रेड करेंगे। ऑयल हमने स्प्रेड कर लिया हुआ है। अब इस हम डोसा को पलट लेंगे। डोसा पलटते समय सावधानी दें कि डोसा टूटने ना पाए। डोसा को हमने पलट लिया है, आप देख सकते हैं कि जो हमारा तड़का है वो पूरा डोसा के ऊपर कितने अच्छे से सेट हो चुका है। अब डोसा को भी हम नीचे से अच्छे से सिकने देंगे गैस का फ्लेम मीडियम करके 2 मिनट के लिए। 2 मिनट हो चुके हैं, ढक्कन को हम फिर से हटा लेंगे और डोसा को एक बार हम फिर से पलट लेंगे। आप देख सकते हैं कि हमारा डोसा नीचे से भी अच्छे से सिक चुका है। अब गैस का फ्लेम हम ऑफ कर देंगे। अब हमारा पूरन या तड़का डोसा वो रेडी हो चुका है। इसे आप नारियल की चटनी, सांबर के साथ या चाय के साथ ऐसे ही सर्व कीजिए, बहुत ही टेस्टी लगेगा। फ्रेंड्स, आप ये पूरन तड़का डोसा की रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए, आपको जरूर पसंद आएगी। और अपने एक्सपीरियंस नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल कविता की रसोई को सब्सक्राइब कीजिए। तो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए रेसिपी के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, गुड बाय।